ओम ज्ञातिरंदस्याज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च महासंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती एंड परीक्षित सेव्ड। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं और परीक्षित महाराज कैसे बच जाते हैं। तो ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, स्पेशली कुंती महारानी के जो प्रार्थनाएं हैं यहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद ये प्रार्थनाओं को बहुत पसंद करते थे, बहुत बार कोट करते थे। तो कुंती महारानी स्त्री थी, माँ थी, वो गुरुकुल कभी गई नहीं, पर उनकी जो प्रार्थनाएं इतनी सुंदर हैं कि महान संत भी यह प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। क्योंकि कुंती महारानी का गुरुकुल क्या था, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट आया था तो वो कष्ट से ही उन्होंने बहुत साक्षात्कार प्राप्त किया। जनरली जिसकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट आता है तो उसका भगवान के भक्ति जो है आसक्ति और जो विश्वास है भगवान के प्रति कम होता है। पर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत दिव्य है। इतना कष्ट के बावजूद भी कुंती महारानी की भगवान के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, वो बहुत ज़्यादा और बढ़ता है। तो हम ये अध्याय के एक 10-15 श्लोक के बाद कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होती है। पर पहला सेक्शन है, हमने देखा कि पिछले अध्याय में अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के आते हैं और द्रौपदी युधिष्ठिर अश्वत्थामा को बोलते हैं कि इसको माफ़ कर दो, तो अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं अर्जुन। तो उसके बाद क्या होता है, पहला थोड़े श्लोक सूत गोस्वामी उसके बारे में बताते हैं। टेक्स्ट 1। सूत उवाच अत ते संप्रतेतानां स्वानामुदकम् इच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रियः। सुत गोस्वामी सेड, देयर आफ्टर द पांडवर्स डिजायरिंग टू डिलीवर वाटर टू द डेड रिलेटिव्स हू हैड डिजायर्ड इट वेंट टू द गैंजेस विद द्रौपदी, द लेडीज वॉक्ड इन फ्रंट। तो हमने देखा कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। तो अब तक 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया था, तो ये 18 दिन के युद्ध में करोड़ों लोग मर गए, सब लोग मर गए। तो आधे लोग हर किसी के रिलेटिव थे, रिश्तेदारी थे। तो ये जो युद्ध था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, रिश्तेदारों के बीच में ही था। तो दोनों साइड में, कौन सा भी साइड में किसी का हत्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली हर कोई कनेक्टेड था। तो इसलिए जनरली जब किसी की मृत्यु होती है तब गंगा में जाके जिसकी मृत्यु हुई है उसके नाम पे पानी अर्पण करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं,
टू डेट इट इज़ द कस्टम इन हिंदू सोसाइटी टू गो टू द गैंजेस और एनी अदर सेक्रेट रिवर टू टेक बाथ व्हेन डेथ अकर्स इन दी फैमिली। तो अभी भी प्रथा है हिंदू परिवारों में कि जब किसी का मृत्यु होता है तो जनरली गंगा में या यमुना में या कौन सा भी पवित्र नदी में जाके स्नान करते हैं। ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स पोर्स आउट अ पॉट फुल ऑफ गैंजेस वाटर फॉर द डिपार्टेड सोल एंड वॉक्स इन अ प्रोसेशन विद लेडीज इन फ्रंट। तो परिवार के हर एक सदस्य मटके भर का गंगा पानी लेता है और गंगा को अर्पण करता है जो चले गए उनके उनको याद करते हुए। और जनरली जब प्रोसेशन चलता है स्त्रियां आगे चलती है और पुरुष पीछे चलते हैं। द पांडवास ऑल्सो फॉलो द रूल्स मोर देन 5000 ईयर्स अगो। लॉर्ड कृष्णा बींग द कजन ऑफ द पांडवास वॉज ऑल्सो अमंग्स द फैमिली मेम्बर्स। तो 5000 साल पहले ये रीति रिवाज था और कृष्ण भी पांडवों ने इसका पालन किया और कृष्ण भी क्योंकि पांडवों के कजन थे कजन ब्रदर थे तो कृष्ण भी इसमें भाग लिया। टेक्स्ट टू तेन निनी योदकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आलुप्ता हरिपादुब्ज रजपूत सरज्जले। हैविंग लेवेंटेड ओवर देम एंड सफिशियंटली ऑफर्ड गैंजेस वाटर द बेथ इन द गैंजेस हुज वाटर इज सैंक्टिफाइड ड्यू टू बींग मिक्स्ड विद द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो इसी इस तरह से उन्होंने बहुत शोक किया कि इतने सारे रिश्तेदार चले गए क्योंकि जनरली कोई मर जाता है तो पश्चाताप होता है शोक होता है। यहाँ पे इतने सारे रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई तो इट वॉज मास स्केल डेथ जैसा अभी कोरोना पीरियड में हो रहा है मास स्केल फ्यूनरल्स हो रहा है। इमेजिन करो ये पीरियड में करोड़ों लोग 18 दिन में मर गए तो कितना दर्द हो रहा होगा। तो समय में वर्णन आता है कि एक ही समय पे अलग अलग परिवारों के लोग पांडव के परिवार के थे बाकी भी सैनिक थे तो सब लोग एक साथ फ्यूनरल चल रहा था और एक साथ वो लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे थे तो रोने का आवाज़ ही इतना था पूरा संसार में वही गुजरा था द क्राई ऑफ पीपल एस्पेशली जो लेडीज़ होते हैं। हाँ कोई मर जाता है तो लेडीज़ की जो रोना है बहुत ज़ोर से होता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत पश्चाताप किया गंगा में स्नान किया और स्पेशली वर्णन आ रहा है कि गंगा पे स्नान क्यों करते हैं क्योंकि गंगा जो है भगवान के चरण कमल से आती है। जब वामन देव आते हैं तो वामन देव के चरण कमल को धोती हुई विरजा नदी आती है और वो गंगा बनती है। तो टेक्स्ट 3 तत्रासिनम कुरुपतिम धृतराष्ट्राम सहानुजम गांधारीं पुत्र शोकार्तां कृतां कृष्णां च माधवां। तो कौन कौन थे यहाँ पे देर सैट द किंग ऑफ द कुरुस महाराज युधिष्ठिर अलोंग विथ हिज यंगर ब्रदर्स एंड धृतराष्ट्र गांधारी कुंती एंड द्रौपदी ऑल ओम वेल विद ग्रीफ लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो देर। तो ये शोक सभा में युधिष्ठिर थे अपने भाइयों के साथ द्रौपदी थी धृतराष्ट्र और गांधारी भी थे। तो धृतराष्ट्र और गांधारी का सिचुएशन सबसे बुरा था उनके सब पुत्र मर गए 100 children died। जनरली पुत्र मरते हैं और माता पिता रहते हैं तो बहुत दुख होता है एक पुत्र नहीं 100 पुत्र सब मर गए। तो कुंती भी थी तो सब लोग को बहुत दर्द हो रहा था ऑल ओवरवेल्ड विद ग्रीफ और कृष्ण भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। परपोर्ट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड थस ऑल अफेक्टेड पर्सन्स वर ऑल्सो फैमिली मेम्बर्स लाइक महाराज युधिष्ठिर एंड ब्रदर्स कुंती द्रौपदी सुभद्रा धृतराष्ट्र गांधारी एंड अ डॉटर इन लॉज एक्सेट्रा। तो ये जो युद्ध था अल्टीमेटली रिश्तेदारों के बीच में युद्ध था तो हर कोई किसी से कनेक्टेड था इस पक्ष में कि वो पक्ष में एवरीवन वाज कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल द प्रिंसिपल डेड बॉडीज वर इन सम वे ऑर द अदर रिलेटेड विथ ईच अदर एंड देयरफॉर द फैमिली ग्रीफ वाज कंबाइंड। तो क्योंकि हर एक जो मृत शरीर था
एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था, तो इसलिए जो दुख था और ज़्यादा बढ़ गया, कंबाइंड दुख था. लॉर्ड कृष्णा वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम एज कजिन ऑफ द पांडवर्स एंड द नेफ्यू ऑफ कुंती एज वेल एज द ब्रदर ऑफ सुभद्रा एक्सेट्रा. द लॉर्ड देयरफोर वॉज इक्वली सिंपथेटिक टू ऑल ऑफ देम एंड देयरफोर ही बिगैन टू पैसिफाई देम बिफिटिंगली. तो कृष्ण भी थे, सब लोग शोक कर रहे थे, कृष्ण को भी दर्द हो रहा था क्योंकि उनके भी रिश्तेदार हैं, पर कृष्ण शोक नहीं करते. कृष्ण क्या करते हैं, बाकी जो लोग शोक कर रहे हैं उनको उपदेश देने लगते हैं. टेक्स्ट 4. सांतव्याम आस मुनिभिर अत बंधुम सुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्ना प्रतिक्रियाम. Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Shri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. तो कृष्ण भगवान और बाकी जितने ऋषि मुनि थे, जो लोग शोक कर रहे थे उनको उपदेश देने लगे. क्या बोल के, कि भगवान के नियम कैसे होते हैं. The stringent laws of material nature. मतलब ये भौतिक दुनिया का जो नियम है बहुत कठोर है, राइट, वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत मुश्किल लॉज है यहाँ पे. तो इसलिए जो लोगों को शॉक लगा था, शॉक्ड एंड अफेक्टेड, जिनको लग रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो गया, तो उसके लिए सांत्वना देने के लिए कृष्ण और बाकी मुनि उनको उपदेश देते हैं. परपोट. द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम परसेंट ऑफ गॉडेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाई एनी लिविंग एंटिटी. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान के जो नियम हैं उसको कोई बदल नहीं सकता, प्रकृति के नियम को. जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तदहम तस्मात् अपर अपियारे अर्थे नातुम सोचितुम हरसि. तो भगवान बोलते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो उसका जन्म निश्चित है. तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है शोक नहीं करता, राइट. तो कोई ये रूल्स को बदल नहीं सकता, नो वन कैन चेंज. एक बार एक व्यक्ति था, वॉल्ट डिज्नी, सुना है, डिज्नीलैंड का ओनर. तो उसके पास बहुत पैसा था, तो उसने क्या किया था, वो मरने की अवस्था पर था तो उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, तो बोला कि मुझे कैसे तो बचाओ. तो डॉक्टर लोग बोले ठीक है, हम अभी मेडिसिन डिस्कवर कर रहे हैं. वो मेडिसिन डिस्कवर करने के बाद जो मृत व्यक्ति है वो जीवित हो जाएगा. तो इसने बहुत सारा पैसा दे दिया डॉक्टर्स को और वॉल्ट डिज्नी मर गया. तो ये वॉल्ट डिज्नी के शरीर को एक नाइट्रोजन चेंबर में रखा प्रिजर्वेशन करने के लिए, राइट. और साइंटिस्ट लोग ने खा लिया पैसा, उनको पता है कि मेडिसिन ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं होगा, क्योंकि भगवान के रूल को कोई चेंज नहीं कर सकता है. केमिकल से कोई जीवन दे नहीं सकता है. वॉल्ट डिज्नी के जो रिश्तेदार है उनको क्या लगा, अगर ये साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर दिया तो क्या होगा, वॉल्ट डिज्नी उड़ जाएगा वापस, और हमारा जो प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी हमको जो मिला है वापस उसको चला जाएगा. तो उन लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट को और पैसा दिया कि ये मेडिसिन डिस्कवर मत करो. तो साइंटिस्ट को डबल पैसा मिल गया और वॉल्ट डिज्नी चला गया, और कौन अमीर हुआ, साइंटिस्ट अमीर हो गए. तो कहने का मतलब है कि ये सब एम्प्टी प्रोमिसेस रहता है कि हम जिंदगी दे सकते हैं ये वो, पर भगवान के नियम को कोई चेंज नहीं कर सकता. द लिविंग एंटिटीज आर इटर्नली अंडर द सब्जुगेशन ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड. द लॉर्ड मेक्स ऑल द लॉज एंड ऑर्डर्स एंड दीज लॉज एंड ऑर्डर्स आर जनरली कॉल्ड धर्म और रिलीजन. तो ये सब रूल्स जो नियम है कौन बनाता है, भगवान ही बनाते हैं, और जनरली ये रूल्स को क्या बोलते हैं, धर्म या रिलीजन. नो वन कैन क्रिएट एनी रिलीजियस फॉर्मूला. बोनाफाइड रिलीजन इज टू अबाइड बाई दी ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड. इसलिए जो धर्म है और कोई बना नहीं सकता, धर्म को कोई क्रिएट नहीं कर सकता. धर्म कौन बनाता है, भगवान ही बनाते हैं. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. तो धर्म का पालन करना है मतलब क्या है, भगवान का जो उपदेश है वो पालन करना है. द लॉज ऑर्डर्स आर क्लियरली डिक्लेयर्ड इन भगवदगीता. Everyone should follow him only and his orders, and that will make all happy, both materially and spiritually.
तो भगवान के नियम कहाँ पे दिए हैं? गीता में दिए हैं। तो इसलिए हमको गीता पढ़ना चाहिए और गीता के अनुसार हमारा जिंदगी जीना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड फॉलो हिम ओनली और हिज ऑर्डर्स। तो सिर्फ हमको भगवान को फॉलो करना चाहिए, सिर्फ भगवान के दिए हुए रूल्स को। एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटीरियल वर्ल्ड, आर ड्यूटी इज टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड, एंड इफ बाई द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी आर लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड, देन इन आर लिबरेटेड स्टेज ऑल्सो वी कैन रेंडर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू द लॉर्ड। तो अगर जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं, तब तक हम भगवान के नियम पालन करना चाहिए, भौतिक दुनिया में कैसा रहना है। और जब हम मुक्त हो जाएंगे तभी भी क्या करना है? तभी भी भगवान के नियम फॉलो करना है। इन आर मटीरियल स्टेज वी कैन सी नीदर आवरसेल्व्स नॉर द लॉर्ड फॉर वॉन्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन, बट वेन वी आर लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल अफेक्शन एंड आर सिचुएटेड इन आर ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म, वी कैन सी बोथ आवरसेल्व्स एंड द लॉर्ड फेस टू फेस। तो ये भौतिक स्तर पे, क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं, हम अपने आप को नहीं देख सकते, हम ये देख नहीं सकते कि हम आत्मा हैं, और हम भगवान को भी नहीं देख सकते। पर जब हम मुक्त हो जाएंगे तब क्या होगा? हम अपने आप को भी देख सकते हैं कि हम आत्मा हैं, और हम भगवान को भी देख सकते हैं। मुक्ति मीन्स टू बी रीइंस्टेटेड इन वंस ओरिजिनल स्पिरिचुअल स्टेटस आफ्टर गिविंग अप मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। तो मुक्ति का डेफिनेशन प्रभुपाद देते हैं। मुक्ति मतलब क्या? अपने ओरिजिनल पोजिशन, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मा के स्तर पे स्थित होना। देयरफोर ह्यूमन लाइफ इज स्पेशली मेंट फॉर क्वालिफाइंग असेल्स फॉर द स्पिरिचुअल लिबर्टी। तो मनुष्य जिंदगी किसके लिए है? इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है। तो इंद्रिय भोग पशु योनि भी करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हर एक योनि को मिलता है, चींटी भी करता है, कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है। तो मनुष्य योनि किसके लिए है? ताकि हम ये जो कंडीशनिंग है, बद्धता है, ये जो भौतिक बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी मटीरियल एनर्जी वी एक्सेप्ट दिस स्पॉट लाइफ ऑफ ओनली अ फ्यू इयर्स एज आर परमानेंट एग्जिस्टेंस एंड थस बिकम इल्यूजन्ड बाय पोजेसिंग सो कॉल्ड कंट्री, होम, लैंड, चिल्ड्रन, वाइफ, कम्युनिटी, वेल्थ एक्सेट्रा विच आर फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस क्रिएटेड बाय माया। पर हम क्या करते हैं, ये भौतिक दुनिया में माया के अधीन हो के इतने ब्रह्म में आ जाते हैं, ये छोटा सा जिंदगी, प्रॉपर देखते हैं स्पॉट लाइफ, ये जिंदगी हमारा कैसा है? एक छोटे सा स्पॉट की तरह है, डॉट की तरह है। वो छोटे से जिंदगी में हम हर एक चीज़ के प्रति आसक्त हो जाते हैं, धन के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, परिवार के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति पूरे तरह से आसक्त होते हैं। जैसे ये हमारे साथ परमानेंटली रहने वाला है, जैसे दो व्यक्ति जब ट्रेन में जाते हैं एक सीट के लिए झगड़ा करते रहते हैं, स्पेशली बॉम्बे लोकल्स में होता है, एक ही सीट के लिए झगड़ा करते हैं। और बॉम्बे ट्रेन में कैसा है, हर एक 10 मिनट में स्टेशन आ जाता है, वो 10 मिनट के लिए झगड़ा करते हैं, वो स्टेशन आ जाता है, दोनों उतर जाते हैं और वो सीट वैसे के रहता है, वो 10 मिनट के लिए झगड़ा। तो वैसे ही है ये भौतिक दुनिया कैसा है, छोटा सा जिंदगी है, उस पर हम झगड़ा करते रहते हैं। एंड अंडर द डिक्टेशन ऑफ माया वी फाइट विथ वन अनदर टू प्रोटेक्ट दीज फॉल्स पोजिशंस। तो ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरा राष्ट्र है, मेरा धरती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम झगड़ा करते रहते हैं। बाई कल्टिवेटिंग स्पिरिचुअल नॉलेज वी कैन रियलाइज दैट वी हैव नथिंग टू डू विथ ऑल दिस मटीरियल पैराफर्नेलिया। तो जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं तब हमको क्या समझ में आता है कि ये भौतिक दुनिया के साथ मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने बहुत सारा राज्य कॉन्कर किया था, पर वो जब मर रहा था उसने अपने मंत्रियों को बोला मेरा हाथ खोल के रखो और मुझे ऐसे ही दफना दो। तो मंत्री पूछने लगे ऐसा क्यों? बोलने लगा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा जिंदगी ये सब इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, पर मैं जब जा रहा हूँ मैं कुछ लेके नहीं जा सकता। देन एट वंस वी कैन बी फ्री फ्रॉम मटीरियल अटैचमेंट। दिस क्लियरेंस ऑफ द मिसगिविंग्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस एट वंस टेक्स प्लेस बाय द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड्स डिवोटीज हु आर एबल टू इंजेक्ट द ट्रांसेंडेंटल साउंड इनटू द डेप्थ्स ऑफ द बिविल्डर्ड हार्ट एंड थस मेक्स वन प्रैक्टिकली लिबरेटेड फ्रॉम ऑल लेमेंटेशन एंड इल्यूजन। तो ये सब वैराग्य कब प्राप्त होगा?
जब हम भगवान के भक्तों के संग में आके दिव्य ज्ञान सुनेंगे तब हम शोक से मुक्त हो जाएंगे, आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। गीता के शुरुआत में अर्जुन बहुत शोक करते हैं कि मैं इन सबको कैसे मारूं, बहुत आसक्ति था। पर गीता सुनने के बाद, ये दिव्य ध्वनि सुनने के बाद उनके जितने भी आसक्ति है टूट जाते हैं। इसलिए हमको अगर हमारे जो भौतिक आसक्ति से छुटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कानों के माध्यम से कथा करना पड़ेगा रेगुलरली। दिस इज द समरी ऑफ द पैसिफाइंग मेजर्स फॉर दोज अफेक्टेड बाई द रिएक्शन ऑफ द स्ट्रिंजेंट मटीरियल लॉज एग्जिबिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज विच आर इनसॉल्युबल फैक्टर्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो ये दुनिया के लोगों को सांत्वना देना है उनके दुख से, तो क्या करना पड़ेगा, हमको आध्यात्मिक ज्ञान देना पड़ेगा। वो एक ही चीज़ लोगों को दुख का निवारण का कारण बनेगा। द विक्टिम्स ऑफ वॉर, नेमली द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द कुरुस, वर लेमेंटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ एंड द लॉर्ड पैसिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब लोग बहुत शोक कर रहे थे और भगवान ने दिव्य ज्ञान से उन सबको सांत्वना दे दिया। टेक्स्ट 5, साधयित्वा जता शत्रो स्वं राज्यं कितवेर्षतम् गातयित्वा सतो राज्ञा कच स्पर्श शतायुष। ट्रांसलेशन: द क्लेवर दुर्योधन एंड हिज पार्टी cunningly observed the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhan were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. So, Suta Goswami yahan pe bol rahe hain ki Duryodhan bahut clever tha, bahut hoshiyar tha. तो दुर्योधन आज के दिन में होता था तो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन बनता था, बहुत बड़ा पार्टी होता था उसका, क्योंकि दुर्योधन पॉलिटिक्स पे बहुत एक्सपर्ट था, बहुत शार्प था, बुद्धिशाली था। पर वो बुद्धिशाली था पर भगवान की बुद्धि उससे ज़्यादा थी। उसको लग रहा था उसके पास शकुनी है, तो शकुनी बहुत, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, पर भगवान का, कृष्ण का दिमाग शकुनी से 10 गुना तेज़ चलता है, 1000 गुना तेज़। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्लेवर दुर्योधन एंड हिज पार्टी कनिंगली ऑब्जर्व द किंगडम ऑफ युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जिसके अजात शत्रु हैं, जिनके कोई शत्रु ही नहीं है, ऐसे युधिष्ठिर को जो पूरे तरह से बोले भाले थे, पूरे तरह से मासूम थे, दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनके जो पूरे राज्य को चालाकी से ले लिया। पर भगवान कृष्ण ने किया क्या, बाई द ग्रेस ऑफ कृष्णा द रिकवरी वॉज एग्जीक्यूटेड एंड अनस्क्रूपलस किंग्स हु जॉइन दुर्योधन वर किल्ड बाई हिम। पर भगवान कृष्ण आ गए उधर, युधिष्ठिर बोले छोड़ दो, बट कृष्ण बोले नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है, भक्त उसको माफ़ करेंगे पर कृष्ण कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो युद्ध के बीच में अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तुम इनको माफ़ करोगे पर मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ, तुम नहीं मारोगे तो मैं सुदर्शन लेके सबको मार दूंगा, तुम बस मेरा निमित्त बनो। तो भगवान ने दुर्योधन और बाकी सब कंपनी को एक साथ लेके आए। तो भगवान की बुद्धिमत्ता देखिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग अलग लोगों को मारने के लिए, एक ही कुरुक्षेत्र में जितने भी असुर हैं एक साथ खड़ा कर दिया और 18 दिन में सबको मार दिया, ज़्यादा खींचा नहीं बैटल को, 18 डेज एवरीथिंग ओवर। तो ये कृष्ण की बुद्धि है। Others also died, their duration of life having decreased by the rough handling of the hair of Queen Draupadi. तो इन सब की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि इन सब लोगों ने द्रौपदी के प्रति अपराध किया। द्रौपदी पहले पतिव्रता स्त्री थी और दूसरा भगवान कृष्ण की महान भक्त थी। तो इसलिए कृष्ण ने डिसाइड किया इन सब लोगों को यह दंड मिलना ही चाहिए। तो जो जिन लोगों को लगता है कि वैदिक ग्रंथों में स्त्रियों का रक्षा नहीं होता था, स्त्रियों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, देखिए दो युद्ध हमारे ग्रंथों में सबसे महान युद्ध हैं, एक तो रामायण और एक महाभारत, और दोनों युद्ध किसके लिए हुआ है, स्त्री की रक्षा करने के लिए, बस
स्त्री के साथ गलत हुआ तो पूरा युद्ध करके सबको समाप्त कर दिया। तो जिनको लगता है कि स्त्रियों के प्रति वैदिक ग्रंथों में एक्सप्लॉइट किया जाता था, ये वो बहुत बड़ा बड़ा बोलते हैं। पर यहाँ पे देखिए वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी के साथ उन्होंने बुरा किया, इसलिए कृष्ण ने डिसाइड किया इन सब लोगों को सबक सिखाना चाहिए। परपोर्ट: इन द ग्लोरियस डेज और बिफोर द एडवेंट ऑफ द एज ऑफ कली, द ब्राह्मणास, काउस, विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन वर गिवन वर प्रॉपरली गिवन प्रोटेक्शन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वैदिक ग्रंथ, वैदिक संस्कृति मतलब पांच चीज, ये पांच लोगों का रक्षा होना चाहिए, ब्राह्मणों का, गाय का, स्त्रियों का, बच्चों का और बुजुर्ग एल्डरली मैन वृद्धों का रक्षा होना चाहिए। ये पांच चीज का रक्षा हो रहा है मतलब भगवान खुश है, ये पांच चीज का रक्षा हो रहा है मतलब कल्चर्ड सोसाइटी है, ये पांच चीज का अगर रक्षा नहीं हो रहा है तो आसुरिक सोसाइटी है। तो अभी के आप सोसाइटी देखेंगे, ये पांचों चीज का रक्षा नहीं होता है, ब्राह्मणों को कोई रक्षा करता ही नहीं है, ब्राह्मणों का रक्षा तो छोड़ो, कोई ब्राह्मणों को वैल्यू ही नहीं करता, उनको क्या लगता है ये सब सोसाइटी के लिए बोझे हैं, बर्डन। गायों को कोई रक्षा करता नहीं है, गायों को इतने बुरे तरीके से हत्या होता है, स्त्रियों का कोई रक्षा करता नहीं है, पूरे तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, फुल्ली एक्सप्लॉयटेड वुमेन। बच्चों का एक तरह से रक्षा हो रहा है एक्सटर्नली, पर रक्षा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे रहे, उनको भी इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में लगा रहे। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे, आजकल के मॉडर्न स्कूल्स क्या है, स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। बच्चे जनरली मासूम रहते हैं, पर स्कूल सिस्टम में जाते हैं, एंड में क्या निकलते हैं, असुर बन के, नास्तिक बन के निकलते हैं। तो स्कूल में क्या सिखाया जाता है, भगवान भगवान कोई नहीं है, पहले एक बिग बैंग हुआ था, कुछ तो हुआ था एक्सप्लोजन, उससे ही सब कुछ आ गया, तो एंड में नास्तिक बन के निकलते हैं। तो बच्चों का भी रक्षा नहीं हो रहा है और वृद्धों का तो रक्षा हो ही नहीं रहा है, सब जगह अनाथ आश्रम खड़े हो गए। तो एक उम्र तक माता पिता हमारा सेवा करते हैं, बाद में क्या करो, उधर डाल दो, कोई देख लेगा, राइट। ये पांचों चीज का रक्षा नहीं हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, इन द ग्लोरियस डेज बिफोर द एडवेंट ऑफ द एज ऑफ कली, तो कलयुग आने से पहले भारत का ये संस्कृति था कि ये पांचों का रक्षा होता था। पॉइंट वन, द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणस मेंटेन्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ण एंड आश्रम, द मोस्ट साइंटिफिक कल्चर फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो ब्राह्मणों की क्यों रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के रक्षा करने से जो सोसाइटी में क्या होता है, स्पिरिचुअल कल्चर रहता है, वर्ण आश्रम मेंटेन होता है, इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ काउस मेंटेन्स द मोस्ट मिराकुलस फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज मिल्क, फॉर मेंटेनिंग द फाइनर टिश्यूज ऑफ ब्रेन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हायर एम ऑफ लाइफ। तो गायों की रक्षा करने से क्या होता है, गाय दूध देते हैं, और दूध पीने से क्या होता है, बुद्धि, फाइनर टिश्यूज बनता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक जिंदगी के बारे में समझ सकता है। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मेंटेन्स द चास्टिटी ऑफ सोसाइटी, बाय विच वी कैन गेट अ गुड जनरेशन फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। तो स्त्रियों की रक्षा होगी तो क्या होगा, तो सोसाइटी में चास्टिटी रहेगा, एक शांति रहेगा, और जितने भी बच्चे उत्पन्न होते हैं वो कैसे रहेंगे, वो भी बच्चे हैं, बहुत कल्चर्ड बच्चे रहेंगे। पर स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो क्या होता है, जो बच्चे आते हैं आगे जाके, जो प्रजा आती है, पूरे तरह से असुरिक रहते हैं। तो इसलिए अगर हमको सही में पीस, ट्रैंक्विलिटी, सही में शांति चाहिए दुनिया में, तो क्या होना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए और ऐसे प्रजा के जन्म करनी चाहिए जिससे एक्चुअली दुनिया में शांति हो। पॉइंट फोर, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस टू प्रिपेयर द वे ऑफ लिबर्टी फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज। सच प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिगिन्स फ्रॉम द डे, वेरी डे ऑफ बिगेटिंग अ चाइल्ड इन द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ गर्भाधान, द बिगिनिंग ऑफ प्योर लाइफ। तो बच्चों की रक्षा करने से क्या होता है, जब बच्चे का पहले से ट्रेनिंग होता है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमको भगवत धाम जाना है, ये भौतिक दुनिया के बंधन से छुटकारा पाना है, तो ऐसे जो बच्चे हैं आगे जाके सही मनुष्य बनते हैं और ह्यूमन सोसाइटी बनता है। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये कहाँ से शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार से ही शुरू होता है। फिफ्थ पॉइंट,
द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ. तो वृद्धों की रक्षा करने से क्या होगा, जब कोई बुजुर्ग बनता है उसकी अगर रक्षा करेंगे तो उसका पूरा समय किस में जाएगा, भगवान की भक्ति में जाएगा, और ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है. दिस कंप्लीट आउटलुक इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लीडिंग टू सक्सेसफुल ह्यूमैनिटी एज अगेंस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स. तो अभी सिविलाइजेशन क्या है, कुत्ता और बिल्ली का सिविलाइजेशन है. जैसे कुत्ते और बिल्ली रहते हैं, इंद्रिय भोग करते रहते हैं, जैसे कुत्ता और बिल्ली है, उसका जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं होता है. कुछ लक्ष्य होता है क्या उनका? कुछ लक्ष्य नहीं होता. सुबह उठते हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा, कल का जैसा दिन था वैसे ही आज का दिन रहेगा. थोड़ा खाने को मिला, थोड़ा सोने को मिला, थोड़ा एन्जॉयमेंट मैथुन करने को मिला, बस हो गया उनका ज़िंदगी. आगे कुछ सोचते नहीं हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, बस उतना ही उनकी ज़िंदगी घूमता है. सो दिस इज सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, पशुओं का सिविलाइजेशन है. पर मनुष्य का सिविलाइजेशन किसके लिए है, हमको ये भगवान ने ये मनुष्य ज़िंदगी हमको दिया है ताकि हम कुछ ऊंचा पा सके. ये भौतिक दुनिया के बंधनों से कैसे मुक्त हो वो प्रश्न पूछने के लिए मनुष्य ज़िंदगी दिया है. द किलिंग ऑफ द अबव मेंशन इनोसेंट क्रिएचर्स इज टोटली फॉरबिडन बिकॉज इवन बाय इंसल्टिंग देम वन लूजेस वन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. तो ये पांच चीज़ों का, पांच लोगों का, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग, इनका हत्या छोड़ो, इनके प्रति अपराध भी करेंगे तो जिंदगी का जो आयु है घट जाता है. एवरीथिंग डिक्रीजेस. इन द एज ऑफ कली दे आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन हैज शॉर्टन्ड कंसिडरेबली. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कलयुग के लोगों का आयु क्यों घट रहा है. कलयुग के लोगों का जनरली 100 साल जीने चाहिए, पर अभी आयु क्यों घट रहा है, क्योंकि ये पांच लोगों का रक्षा नहीं हो रहा है. No one is protecting these five people. In Bhagavad Gita it is said that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Varna Shankara. तो गीता में अर्जुन पहले अध्याय में बोलते हैं जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होती तो क्या होता है, बाकी सारे पुरुष जाके स्त्रियों का एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे पूरे जो अलग ही एक प्रजा पैदा होता है, वर्ण शंकर. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. तो अगर कोई पतिव्रता स्त्री है उसके प्रति कोई अपराध करता है तो क्या होता है, उसका जिंदगी का आयु घटता है और उसके ज़िंदगी में बहुत कष्ट आता है. तो जैसे मैं बोल रहा था रामायण और महाभारत की सार वही है. रावण ने सीता के प्रति अपराध किया इसलिए उसका पूरे परिवार, पूरे लंका का नाश हो गया. क्यों? एक स्त्री के प्रति अपराध किया. और यहाँ पे कौरवों ने एक स्त्री के प्रति अपराध किया, बस जस्ट वन, एक ही पतिव्रता स्त्री के प्रति अपराध किया द्रौपदी, और पूरा जो खानदान है पूरा खानदान ही मिट गया. सो व्हेन यू ऑफेंड अ चेस्ट वुमेन, तो पतिव्रता स्त्री की इतनी शक्ति है कि वो पूरे खानदान को जला सकती है अगर उसके प्रति अपराध करेंगे तो. टू इंसल्ट अ चेस्ट वुमेन टू मीन्स टू ब्रिंग अबाउट डिजास्टर इन द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ. दुशासन अ ब्रदर ऑफ दुर्योधन इंसल्ट द्रौपदी एंड आइडियल चेस्ट लेडी एंड देयरफॉर द मिस्क्रियंस डाइड अनटाइमली. दीज आर सम ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ द लॉर्ड मेंशनड अबव. तो दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ के खींच के लाए सभा में, तो तब से द्रौपदी ने उनके बाल बांधे ही नहीं. भगवान कृष्ण बोले जब तक इन सब लोगों का हत्या नहीं होता तब तक आपका बाल आप बांधो मत. और भगवान ने करके दिखाया, भगवान ने प्रॉमिस किया द्रौपदी को इन सब लोगों को सबक मिलेगा, वो सबको मिल गया. तो कहने का मतलब है कि जब हम इन पांच चीज़ों, पांच लोगों का रक्षा करते हैं, गाय का, ब्राह्मणों का, स्त्रियों का, बच्चों का और बुजुर्ग वृद्ध लोगों का, तब सही में कल्चर आता है, दुनिया में शांति रहते हैं. पर इन सब पांच लोगों का रक्षा नहीं होगा तो दुनिया में कष्ट ही कष्ट आएंगे. देर बी लॉट एंड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो हम टेक्स्ट 6 से शाम के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्ण.